नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन। मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज NCR का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद के सभी ऑटो रिक्शों पर लगेगा एक गज दूरी मास्क है जरूरी का स्टिकर। हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में हो सकती है हड़ताल, आढ़तियों ने दिया हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 के हनुमान मंदिर से चोरों ने उड़ाए 4 गुल्लकों से नगद, पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज। जज्बा फाउंडेशन ने चलाया बाल अधिकार सप्ताह, दिया नारा बाल मजदूरी है अपराध, आओ करें मिलकर इसे साफ। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। देवबंद का जैश कनेक्शन, मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। देश में तेज हुई कोरोना जांच की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 13.5 करोड़ के पार। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का राष्ट्रवाद को लेकर विवादित बयान, शिया धर्मगुरुओं ने साधा निशाना। दिल्ली में कोरोना का कहर, बीते 15 दिनों में 1400 लोगों की हो चुकी है मौत, शमशान घाटों के बाहर अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। फैमिली संग वैकेशन एंजॉय कर रही हैं रकुल प्रीत, बिकिनी में फोटोशूट कराया। अर्जुन कपूर के गाने पर मलाइका अरोड़ा का डांस वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में नजर आए सलमान और पुनीत। फिर उछला सुशांत सिंह राजपूत के लापता 17 करोड़ रुपए का मामला, राबता मूवी के डायरेक्टर फिर से तलब। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, घर से मिला गांजा। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। रोहित शर्मा बोले बैक टू बैक मैचेस की वजह से वनडे और T20 का मैं हिस्सा नहीं, अब सिर्फ मेरा फोकस टेस्ट मैच पर है। अब नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत की ओर। दुबई के शासक की राजकुमारी के बॉडीगार्ड से अवैध संबंध, चुप रहने के दिए 12 करोड़। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, छोड़ सकते हैं पद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहें न्यूज NCR।